ये सच्ची कहानी उन तीन कैदियों की है जिन्हें कैद किया गया था साउथ अफ्रीका के सबसे सुरक्षित जेल में, जहां से आज तक कोई नहीं भाग सका। पर उनमें से तीन कैदी ऐसे थे जिन्होंने ठान लिया कि हम इस जेल से भागकर ही रहेंगे। पर यहां आश्चर्य वाली बात ये थी, जेल से भागने में ये ना ही किसी सुरंग की मदद लिए, ना किसी गार्ड को मारे, ना सेल का दरवाजा तोड़े। पर एक सुबह जब जेलर उन तीनों को जगाने के लिए उनके सेल में पहुंचा, तो देखता है कि तीनों गायब हैं। स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1973 से। ये जगह है देश साउथ अफ्रीका का। यह वह समय था जब साउथ अफ्रीका में ब्लैक तथा व्हाइट के बीच भेदभाव किया जाता था। व्हाइट लोग ब्लैक पर काफी अत्याचार करते थे। समय के साथ जब उन पर हिंसा बढ़ने लगी तो ब्लैक लोग अपने अधिकारों के लिए विद्रोह छेड़ दिए। पर इस विद्रोह में ज्यादातर नुकसान हो रहा था ब्लैक लोगों का ही। व्हाइट लोग हथियार तथा गन से ब्लैक विद्रोहियों को खत्म कर देते थे। 1973 के आंदोलन में काफी सारे ब्लैक लोग मारे गए, जो भी जिंदा बचे उन्हें जेल में डाल दिया गया। इस तरह साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों का ही चलता था, उन्हें ब्लैक लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी। जहां एक तरफ ब्लैक लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट लोग एक सुकून की लाइफ जी रहे थे। पर इन्हीं व्हाइट लोगों में दो लोग ऐसे हैं जो इस तरह के भेदभाव के बिल्कुल खिलाफ थे, जिनमें से एक का नाम है टिम तो दूसरा था स्टेफन। आज इन दोनों ने पूरी तरह से मन बना लिया है, ये ब्लैक लोगों के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए ये दोनों उनके पक्ष में प्रोटेस्ट करना चाहते थे ताकि ये उनके अधिकार उन्हें दिला सकें। उनके अधिकारों को दिलाने के लिए ये दोनों लोग ANC ज्वाइन किए, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस कम्युनिटी का एक ही लक्ष्य था, ब्लैक लोगों को उनका अधिकार दिलाया जाए। इस तरह ये दोनों लोग प्रोटेस्ट शुरू करने के लिए शहर में गए, जहां शहर के बीच दोनों ने जोरदार ब्लास्ट किया। ये ब्लास्ट किसी विस्फोटक पदार्थ का नहीं था, बल्कि था पेपर पैम्पलेट का। जब उस ब्लास्ट से निकले हुए पेपर को ब्लैक लोगों ने पढ़ा तो पाया जिसमें ब्लैक लोगों के अधिकार दिलाने के बारे में लिखा गया था। पर ये अपने मकसद में कामयाब हो पाते, इनका सारा प्लान फेल हो गया। पुलिस आकर उन दोनों को पकड़कर ले गई। जब दोनों को कोर्ट के सामने पेश किया गया तो इनके इस अपराध के लिए टिम को 12 साल की सजा सुनाई गई, जबकि स्टेफन को 8 साल की। ये सब देखने के बाद स्टीफन वहाँ एक पल भी नहीं रुका, खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, पर वह ज्यादा दूर भाग पाता कि पकड़ा गया। इस तरह इन दोनों को इनकी सजा काटने के लिए इन्हें प्रिटोरिया नामक जेल में ले जाया गया। जेल में पहुंचने के बाद जेलर उन दोनों से कहने लगा कि तुम्हें व्हाइट लोगों के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने गद्दारी की। एक बात और, यह जेल अफ्रीका का सबसे सुरक्षित जेल है, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद इन दोनों को अंदर ले जाया गया, जहाँ जाकर दोनों ने देखा सच में यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट है। पर अंदर जाते समय टीम वहाँ के दरवाजे, लॉक वगैरह को बिल्कुल ध्यान से देख रहा था, क्योंकि यहाँ वो 12 सालों तक सजा काटने वाला बिल्कुल नहीं था, वह इस जेल से जरूर भागेगा। फिलहाल सारी चेकिंग के बाद दोनों को उनके सेल में डाल दिया गया। यहाँ दोनों की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इन दोनों का सेल बिल्कुल पास पास है, यानी ये वॉल पर नॉक करके एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। फिलहाल पहली रात इनका सेल में खत्म हुआ। सुबह होने के बाद दोनों लोग खाने के लिए गए, जहां इन्होंने देखा यहां पर जितने भी कैदी हैं, इन्हें न जाने क्यों दो ग्रुपों में बांटा गया है, क्योंकि यहां के कैदी दो अलग अलग ड्रेस में थे। फिलहाल ये दोनों लोग इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिए, खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी एक डेनिस नाम का बंदा उनके पास आया, जो यहाँ अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। जब वो इन दोनों से बातें किया तो उन दोनों को पता चला यह भी इन दोनों की तरह व्हाइट के लिए प्रोटेस्ट किया था, पर अंत में वह भी पकड़ा गया और फिर उसे इस जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी बात पर टिम उससे पूछने लगा कि आधे कैदी ब्लू ड्रेस में क्यों है, तो वह कहने लगा गलती से भी उनके पास बैठने की कोशिश मत करना, क्योंकि वे बहुत बड़े खूनी तथा रेपिस्ट थे। इसके बाद ये दोनों लोग भी अपने बारे में कुछ बातें उसे बताए कि टिम को 12 साल जबकि स्टीफन को 8 साल की सजा सुनाई गई है। बातों में ही दोनों कहने लगे, हमें भले ही इतनी लंबी सजा दी गई है, पर हम यहाँ इतने समय तक नहीं रहेंगे। इस तरह जेल में इन दोनों का एक दोस्त बन चुका है। ये तीनों पूरे टाइम एक साथ ही रहते थे। बाहर जब वॉकिंग के लिए गए तो डेनिस उन दोनों से कहने लगा कि इस दीवार को पार करके उस पार जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वहाँ की दीवार थी 20 फीट से भी ज्यादा ऊंची। ऊपर से गार्ड की सिक्योरिटी है सो अलग। उनका अगला भ्रम भी दूर किया कि तुम यहाँ सुरंग खोदकर भी नहीं भाग सकते, क्योंकि यह जेल उनके सोच से भी काफी बड़ा था। इसके बावजूद अगर ये दोनों भागने की कोशिश किए तो वे घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे। इसलिए जाते जाते डेनिस कहकर गया कि अगर तुम दोनों लोगों को अपनी जान प्यारी है
तो भागने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। ये सारी बातें कहकर डेनिस वहाँ से गया ही था कि तभी उन दोनों के पास एक लियोनार्ड नाम का बंदा आया। दरअसल वह छुपकर कब से इन तीनों की बातें सुन रहा था। इस तरह डेनिस जैसे दूर हुआ तो वह उन दोनों के पास आकर कहने लगा कि अगर तुम भागने का सोच रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ भागना चाहूँगा। पर ये तीनों यहाँ से भागने का प्लान करते इससे पहले वह बंदा इस जेल के बारे में कुछ बातें बताने लगा। कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने से पहले कुछ कैदियों ने भागने की कोशिश की थी पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, अंत में वे पकड़े गए थे। इसी टाइम इन तीनों पर जेलर की नजर पड़ी जो तीनों को बात करते हुए ऊपर से देख रहा था। इस तरह इन तीनों को एक साथ बातें करते देख जेलर को उन पर शक हुआ, पर उसे भी पता है यह जेल इतना सुरक्षित है कि किसी का भी भाग पाना नामुमकिन है। ये कुछ भी प्लान कर लें पर यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। इस तरह ये दोनों जेल में रहने लगे। देखते ही देखते इन्हें जेल में रहते हुए हो चुके थे पूरे 23 दिन। इस जेल में जितने भी कैदी थे सभी लोग नॉर्मल तरीके से अपनी सजा काट रहे हैं। जहाँ रात को सभी लोग सो जाते हैं जबकि उसके विपरीत टिन भागने के प्लान के बारे में ही सोचता रहता। जब भी मौका मिलता जेल के सभी लोग को बड़े ध्यान से देखता। उसके दिमाग में हर समय यही बातें चलती रहती कि अगर वह इस सेल के सभी तालों की चाबी बना ले तो वह आसानी से यहाँ से भाग सकता है। जैसा कि इन दोनों के भागने में एक तीसरा बंदा भी शामिल है, इसलिए सुबह सुबह जब ये तीनों नहाने के लिए गए तो टीम ये बात उन दोनों से भी शेयर किया कि अगर वे डुप्लीकेट चाबी बनाने में कामयाब हुए तो वे यहाँ से भाग पाएंगे। लेकिन जब तीसरे बंदे को पता चला कि इसके लिए हमें डुप्लीकेट चाबी बनानी होगी वह भी लकड़ी का, तो वह साफ इनकार कर दिया कि ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है, यह पॉसिबल ही नहीं। साथ ही साथ वह बंदा यह भी कहा कि हमारे पास तो लकड़ियां भी नहीं, फिर हम चाबी बनाएंगे कैसे। पर टीन को इतना भरोसा है कि वह वर्कशॉप से लकड़ियों का बंदोबस्त कर सकता है। पर यहाँ इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डुप्लीकेट चाबी तो तब बनाएंगे जब इन्हें रियल चाबी मिलेगी। रियल चाबी तो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं थी, इसलिए इन्हें जब भी चाबी देखने का मौका मिलता तो टीम उनमें से एक चाबी को काफी गौर से देखता ताकि वह उसका स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सके। इस तरह उसका डुप्लीकेट की बनाने का सफर शुरू हुआ। वह जब भी वर्कशॉप में जाता कई सारी लकड़ियां चुरा लिया करता। दिन में चाबी बनाना तो आसान नहीं था, इसलिए रात को जैसे ही सभी कैदी सो जाते वह चाबी बनाना स्टार्ट करता। फाइनली कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने सेल की चाबी बना लिया। जब वह उसकी टेस्टिंग किया तो पता चला यह चाबी बिल्कुल वर्क कर रही है। सेल का लॉक तो आसानी से खुल गया, पर उसे निराशा हाथ तब लगी जब पहले दरवाजे को खोलने के बाद देखा कि सामने एक और दरवाजा है जिसमें चाबी अंदर से नहीं बल्कि बाहर से लगानी पड़ेगी। पर वह अंदर रहकर उस लॉक को ओपन करेगा कैसे, यह सोचे बगैर सबसे पहले उसकी चाबी बनाने का फैसला किया। फाइनली चाबी बनकर कंप्लीट होने के बाद समय आ चुकी है उसकी टेस्टिंग की। इसके लिए उन दोनों ने दोपहर का सही समय चुना जब वहाँ कोई गार्ड नहीं होते। यहाँ स्टीफन बाहर की तरफ नजर रखता है जबकि टीम चाबी की टेस्टिंग किया। चाबी तो बिल्कुल सही सलामत लग गई, लॉक भी ऑन हो गया। लेकिन जब चाबी को बाहर निकालने की बारी आई तो चाबी ही टूटकर अंदर फंस गई। इसी समय तीसरा साथी आकर कहने लगा कि जल्दी से यहाँ से निकलो, जेलर आ रहा है। पर यहाँ इनकी किस्मत इतनी खराब है कि टूटी हुई चाबी अभी भी लॉक के अंदर ही थी। टीम उसे निकालने की काफी कोशिश किया पर वह निकल ही नहीं रहा था। जेलर के पहुँचने से पहले जैसे तैसे चाबी तो निकल गई पर वह दोबारा से उस लॉक को बंद नहीं कर पाया, खुला छोड़कर ही अंदर चला गया। थोड़े समय बाद जब वहाँ जेलर पहुँचा तो वह पाता है कि सेल का दरवाजा खुला हुआ है। जब उसे बंद करने की कोशिश किया तो पाया लॉक का हुक तो बाहर है। पहले तो इसे देखकर एक पल के लिए हैरान हुआ पर इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ओरिजिनल चाबी से उसे अंदर करके डोर को वापस से बंद कर दिया। इस तरह जेलर के जाने के बाद उन तीनों के जान में जान आई। फिलहाल इसी तरह ये तीनों लोग बाकी तालों की चाबी बनाने में लगे रहे। इसी तरह समय गुजरता रहा। फिलहाल इन्हें जेल में रहते हुए हो चुके थे 142 दिन, पर इनकी प्रॉब्लम्स अभी भी खत्म नहीं हुई थी। ये भले ही दोनों लॉक की चाबी बना लिए हैं जिसमें से पहला दरवाजा तो आसानी से खुल जा रहा है लेकिन दूसरे को बाहर से ही खोला जा सकता था। ये पूरे टाइम इसी बात पर डिस्कस करते कि अंदर रहकर उस बाहर वाले दरवाजे को कैसे ओपन किया जाए। अब तक टीम के इस तरह के बहादुरी को देख तीसरे साथी के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया, शायद हम रस्सी की हेल्प से उसे भी ओपन कर सकते हैं। पर टीम का कहना था इसके लिए रस्सी काफी नहीं होगी, दरवाजा ओपन करने के लिए चाबी को घुमाना भी पड़ेगा। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था ये तीनों एक साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगे।
एक दिन ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी जेलर आ पहुंचा। जब वह इन तीनों को आपस में बातें करते हुए देखा तो उसे इन पर डाउट हुआ। जब जेलर द्वारा पूछा गया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो तो उनका यही कहना था, हम यहाँ तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस तरह जेलर वहाँ से चला गया। जेलर के जाते इन्होंने झाड़ू देखी, जिसे देखकर टिन के दिमाग में एक प्लान आया। सोचने लगा, यदि वह चाबी को किसी तरह से इस झाड़ू में फिट कर दे तो वह आसानी से इस डोर को ओपन कर सकता है। इस तरह नया आइडिया आने पर वह काम पर लग गया। झाड़ू की डंडी तथा बाकी लकड़ियों की हेल्प से एक स्ट्रक्चर तैयार किया। स्ट्रक्चर जब बनकर रेडी हुआ तो वह कुछ इस तरह काम करने वाला था, जिसकी मदद से अंदर रहकर भी दरवाजे को आसानी से ओपन किया जा सकता था। पर अभी भी इन तीनों को डाउट है, जब तक ये इसकी टेस्टिंग कर नहीं लेते कि कहना मुश्किल था कि डोर ओपन होगा। फिलहाल दिन खत्म हुआ। रात को जब सभी कैदी अपने अपने सेल में चले गए तो टीम अपने काम पर लग गया। डंडे में चाबी फंसाकर बाहर निकाला। डंडे की हेल्प से चाबी को लोग तक तो आसानी से लेकर चला गया, पर चाबी को सही जगह लगाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। वह लगातार कोशिश करता रहा। वह समय भी आ गया जब दरवाजा खुलने वाला है, पर ऐसा हो पाता चाबी लकड़ी से निकलकर नीचे गिर गई। ऐसा होते ही टीम परेशान होने लगा, क्योंकि चाबी फर्श पर जिस जगह थी वहाँ तक स्टिक भी नहीं पहुँच सकती। ऐसे में सुबह किसी भी गार्ड की नज़र उस चाबी पर पड़ी तो इनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। यह सोचते ही टीम ने फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए वह चाबी को अंदर लेकर ही रहेगा। काफी सोच विचार के बाद उसने चिंगम निकाला, जिसे उस डंडे पर चिपकाकर चाबी तक ले गया। इस तरह चिंगम की हेल्प से जैसे तैसे चाबी को अंदर ले लिया। पर इस रात जो कुछ भी हुआ उसके दोनों साथियों को कुछ पता नहीं था। सुबह जब वह दोनों को बताया कि अब वह अंदर से भी उस दरवाजे को ओपन कर सकता है तो दोनों बहुत ही खुश हुए। अब तक इन्होंने वहाँ के सभी लॉक की चाबी बना ली थी, पर उसे ऐसे खुले में रखना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए एक दिन जब ये लोग गार्डन में काम कर रहे थे तो स्टेफन टीम के पास सारी चाबियाँ लेकर आया, जिसे छुपाने का फैसला किया गया। इधर उधर नजर घुमाया पर फिर भी उसे छुपाने का कोई भी सेफ जगह नहीं मिला। अंत में इन्होंने फैसला किया कि इसे मिट्टी में गाड़ दिया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करते, सभी चाबियों को अपने सेल में ही रखते तो जेलर इन्हें आसानी से पकड़ सकता था। लेकिन जब ये चाबी मिट्टी में छुपाने गए थे तो टीम काफी समय तक गार्डन में ही रहा। यह देख जेलर को उस पर शक हुआ, आकर पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीम घबराए बगैर कहने लगा कि वह पौधों को खाद डाल रहा है। यहाँ बताते चले, इस जेल में इन तीनों के अलावा कोई अगर ऐसा है जिसे पता है कि ये तीनों लोग भाग रहे हैं तो वह है वह चौथा बंदर डेनिस, जो पहले दिन उन दोनों को बताया था कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना पकड़े जाओगे। जब ये दोनों चाबी को छुपा रहे थे तो वह चौथा बंदा भी वही था। जेलर के जाने के बाद टीन से कहने लगा कि तुम लोग जो ये कर रहे हो ठीक नहीं है, अगर पकड़े गए तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। पर यहाँ टीम उसे कोई जवाब नहीं देता, अपना काम जारी रखा। उसी रात जब सभी लोग सो गए तो एक बार टीन फिर सेल से बाहर निकला। जब वह सामने के दरवाजे को देखा तो उसने पाया, अगर उसे जेल से बाहर निकलना है तो उसे और भी डुप्लीकेट चाबियां बनानी होंगी। इस तरह सुबह होते ही वह अगले काम पर भी लग गया। मॉर्निंग में पहुंचा एक कैदी के पास, जिससे कुछ कागज का टुकड़ा मांगा। पर न्यूज़पेपर देने से पहले वह कुछ मांगता है, इसके लिए टीम उसे सिगरेट दिया। पर वह न्यूज़पेपर क्यों लिया ये पता चलेगा आगे ही। इसी तरह समय गुजरता रहा। फिलहाल इन्हें जेल में रहते हुए हो चुके थे 295 दिन। आगे से ये दोनों अपने काम पर काफी जोर दिए। अब रात को ये तीनों लोग एक साथ काम करने लगे। उसी रात हर बार की तरह जब सभी लोग सो गए तो टीम अपने तीसरे साथी के साथ बाकी दरवाजों को चेक करने के लिए गया, ताकि ये पता कर सके यहाँ से भागने के लिए कितने और दरवाजों को पार करना होगा, क्योंकि अब तक इन्होंने कुछ डोर की बना ली थी। बनाए हुए चाबियों की टेस्टिंग करते हुए एक एक डोर को ओपन करके आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ये देखते हैं कि एक गार्ड इनकी तरफ आ रहा है। उस गार्ड की नज़र उन पर पड़ती इससे पहले ये दोनों लोग छुप गए। आगे गार्ड के जाने का इंतजार किए। जब गार्ड छत पर चला गया तो ये वापस से बाकी लॉक को खोलने लगे, पर इस पूरे टाइम उनका दूसरा साथी अभी भी अपने सेल में है। वह भी बाहर की तरफ नजर गड़ाया था, ताकि अगर कोई भी गार्ड उस तरफ जाए तो वह उन्हें इशारा करे। इधर ये दोनों लोग लॉक खोल ही रहे थे, तभी उन्हें दूसरे साथी के खांसने की आवाज सुनने को मिली। दरअसल दूसरा साथी जानबूझकर खांस रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि गार्ड वापस से नीचे जा रहा है। ऐसा होते ही दोनों वापस से कबर्ड में जाकर छुप गए। इस तरह जब वह गार्ड वहां से चला गया तो दोनों भागकर वापस से अपने सेल में आ गए। सेल में पहुंचने के बाद टीम वापस से अपने सभी चाबियों को एक टिन के डिब्बे में छुपा दिया। फिलहाल रात तो गुजर गई, सुबह हुआ। जैसा कि ये दोनों लोग रात को काफी समय तक जगे थे, इसलिए टीम सुबह होने के बाद भी सोया था। जब ये बात जेलर को पता चली तो उसे उठाने के लिए जेलर खुद उसके सेल में गया, जहाँ
जाकर उसे शक हुआ, इसलिए उसे बाहर निकालकर उसकी सेल की जांच शुरू किया। जांच के समय टीम पूरी तरह से घबराया हुआ था, क्योंकि अगर गलती से भी वह टीन का डिब्बा उनके हाथ लगा जिसमें रखी गई थी चाबी, तो वे आसानी से पकड़े जाएंगे। पर ऐसा कुछ होता कि वह डिब्बा ही नीचे गिर गया, पर गलती से उस चाबी का टुकड़ा उसे मिल गया जिसकी टेस्टिंग ये पहली बार कर रहे थे, जो बीच से टूट भी गया था। पर इस टूटे चाबी को देखकर जेलर समझ ही नहीं पाया आखिर यह है क्या। टीम से पूछा भी, टीम उसे गुमराह करते हुए कहने लगा कि वह इसे फोटो खड़ा करने के लिए बनाया है। आगे झाड़ू के स्टिक को भी देखा, पर वह इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सेल से बाहर निकल गया। इस तरह बाल बाल बचने के बाद टीम ने फैसला किया, चाबी को यहाँ छुपाना खतरे से खाली नहीं है, इन सभी चाबियों को अलग अलग जगह छुपाना होगा। काफी सोच विचार के बाद उसे सबसे अच्छा जगह मिला, लाइब्रेरी। फाइनली वह सारे चाबियों को वहीं पर छुपाया। इस तरह ये तीनों लोग मिलकर आगे भी काम जारी रखें। हर रात जब सभी कैदी सो जाते हैं, तो ये अपने सेल से निकलकर सभी तालों को चेक करते हैं और फिर उनकी चाबी बनाने में लग जाते हैं। फाइनली एक महीने के अंदर ये लगभग 15 चाबी बनाने में कामयाब हुए हैं। अब तक इन तीनों के भागने के बारे में बाकी कैदियों को भी पता चल चुका था। एक रात टीम उन सब से मिला, कहने लगा सभी चाबियां बन चुकी हैं, क्यों न तुम सब भी यहां से भाग जाओ। पर उनका चौथा साथी कहने लगा कि हम सब यहां से भागेंगे तो नहीं, पर हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस तरह आगे भी कई बार इनकी सेल की चेकिंग हुई, पर एक बार भी जेलर को ऐसी चीज नहीं मिली जिससे इन तीनों पर शक हो। इन दोनों का सेल भले ही बगल में था, पर फिर भी एक दूसरे को कोई भी जानकारी भेजने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसी रात हमें देखने को मिला कि टीम एक कागज के पन्ने को नीचे से अपने एक साथी के पास भेजा। दरअसल ये कागज का टुकड़ा वही था जिसे उस दिन उस वर्कर से मंगाया था। जब उसका साथी उस कागज के पन्ने को ओपन किया, तो वह पाता है कि इस पेज में इस प्रिजन का मैप है। जेल के मैप को देखकर दूसरे साथी को भी इस जेल के बारे में काफी कुछ नया पता चला। साथ ही साथ उस जगह को भी मेंशन किया गया था जहां से ये भागने वाले हैं, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ये लोग भागेंगे। फाइनली टीम अपने सेल से बाहर निकला, साथ ही साथ अपने दोनों साथियों का भी सेल ओपन किया। जेल से भागने से पहले इन्होंने अपने पास कुछ कपड़े भी ले लिए थे। इस तरह ये धीरे धीरे एक एक दरवाजे को ओपन करके बाहर की तरफ जाने लगे। इन तीनों को यह भी पता था कि भागने के प्लान को पूरी तरह से पूरा करने में इन्हें कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, जिसमें इनकी मदद कर रहा था वह चौथा साथी भी। जब ये उस जगह पहुंचे जहां पर लाइट्स थी, तो इसी टाइम उनका चौथा साथी अपने सेल के लाइट्स को तोड़ दिया, जिससे जेल में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर पूरे प्रिजन की लाइट ही चली गई। शॉर्ट सर्किट होने के बाद इन्हें क्या करना है, टिन ने यह भी कहा था कि जब लाइट जाए तो सभी कैदी चिल्लाकर जेलर को बुलाएंगे, ताकि सभी जेलर का ध्यान इन कैदियों पर जाए। फिलहाल प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा है। तीनों लोग एक एक दरवाजे को ओपन करके बढ़ रहे थे आगे। अंत में ये तीनों पहुंचे आखिरी दरवाजे के पास, जो था इलेक्ट्रिक, जिसे ओपन किया जा सकता है गार्ड के रूम से ही। जैसा कि सभी कैदियों के चिल्लाने के बाद गार्ड वहां से जा चुका है, इस तरह ये आसानी से उसके कमरे में गए और उस आखिरी इलेक्ट्रिक डोर को भी ओपन कर दिए। फाइनली ये जेल के मेन दरवाजे तक पहुंच चुके थे। अगर ये एक बार ओपन हो गई, तो समझो ये यहां से निकल गए। इनके पास जितनी भी चाबियां थी सभी को लगाई गई, पर एक भी चाबी से ये आखिरी दरवाजा ओपन नहीं हुआ। यह देख तीसरा बंदा इतना गुस्सा हुआ कि गुस्से में आकर उस लॉक को ही तोड़ने लगा। ऐसा करने से काफी आवाज होने लगी, पर इसी टाइम बाकी कैदी भी शोरगुल कर रहे थे, जिस कारण लॉक तोड़ने की आवाज दब गई। इस तरह जब लॉक टूट गया, तो ये ड्रेस चेंज करके चुपके से बाहर निकले, जहां सबसे पहले इन्हें गार्ड से बचना होगा। इनके पास एक मिरर था, मिरर में देखकर ये पता लगाया गया कि आखिर गार्ड है कहां। गार्ड का पता चलते ही ये उसके विपरीत डायरेक्शन में चलने लगे। फाइनली छुपते छुपाते ये रोड तक पहुंच गए। किस्मत इतनी अच्छी थी कि किसी भी गार्ड की नज़र इन पर नहीं पड़ी। फाइनली टैक्सी से ये तीनों लोग यहां से निकल पड़े। जाते जाते इन तीनों ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। देखने के बाद इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि इन्होंने जो आज कर दिखाया था, ये काम था इम्पॉसिबल। सुबह जब जेलर उन तीनों की सेल के पास पहुंचा, तो देखता है कि तीनों यहां से भाग चुके हैं। साथ ही साथ बाकी कैदी भी बाहर आकर उन लोगों पर हंसने लगे। बाकी कैदी इसलिए खुश थे कि इन्होंने तीन ऐसे लोगों को भागने में मदद की, वह भी ऐसे जेल से जहां से भागना नामुमकिन था। इस तरह ये तीनों लोग साउथ अफ्रीका से निकलकर पहुंचे थे लंदन। इन्हें कई महीनों तक ढूंढा गया, पर ये दोबारा से कभी नहीं पकड़े गए। इस वीडियो में बात की गई है ऐसे दो माउंटेन क्लाइंबर की, जो एक ऐसी पहाड़ी पर क्लाइंबिंग के लिए गए, साथ ही साथ उस समय जब रेडियो वगैरह थे बिल्कुल नाम मात्र के। स्टार्टिंग में इन्हें लगा ये क्लाइंबिंग काफी आसान होगी, पर बीच सफर में जो उनके साथ हुआ, दोनों ने कभी भी कल्पना नहीं की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।